हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राव ट्यूटोरियल्स हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू वर्क एयर कंडीशनर, मतलब एसी कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मतलब घरों में यूज होने वाला है ये विंडो सी और स्प्लिट एसी के बारे में, वर्किंग के बारे में बताऊंगा और इसके मैं जो मेजर पार्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एच बी एस सी का मतलब कि पार्ट्स मतलब वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो एच बी एस सी का होता है, हीटिंग एंड वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनर का, वो भी सेम ही प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन वो फ्रेंड्स मतलब इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है, वो आपको वो उस समय वो मतलब वर्किंग प्रिंसिपल सबका एक ही होता है। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एयर कंडीशनर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मतलब कि ये हमारा काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, मान के चलिए आपका एक रूम है, रूम में गर्म है, मतलब कि आपको हीट है रूम के अंदर, तो उसको क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है, हीट ट्रांसफर कर। तो ये जो फ्रेंड्स पूरा जो ये हमारा साइंस है, ये पूरा हमारा ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट का वजह से। अगर हमारा हीट रूम से रिमूव हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि कोल्ड एयर हमारे रूम को ठंडा कर दे। तो इसको समझने के फ्रेंड्स हमको क्या करते हैं कि पहले इसके हम मेजर पार्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मान के चले विंडो ए सी है, तो विंडो ए सी के जो मेन पार्ट होता है जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, यूपरेटर और ये एक्सपेंशन वाल्व और फैन मोटर, ये हमारे जो फ्रेंड्स ये मतलब कि मेजर पार्ट है और मेजर पार्ट है। और इसके फंक्शन अगर स्प्लिट ए सी है फ्रेंड्स, तो इसके दो यूनिट में डिवाइड हो जाता है, इंडोर और आउटडोर में। तो इंडोर और फंक्शन फ्रेंड्स एक ही होता है, बस ये बस थोड़ा डिवाइड हो जाता है और बस ये हमारा इंडोर आउटडोर में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ये तो वर्किंग प्रिंसिपल होगा। मैं आपके आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स एसी के मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, इसके ट्रबल शूटिंग के वीडियो भी बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या हमारा एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है, चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमारा एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है जो विंडो एसी का है और इसका नाम के नाम भी लिख दिया हर पार्ट्स के अलग अलग, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं हर पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है और ये हमारा एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो हमारा एयर कंडीशनर का मेन जो पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या करता है फ्रेंड्स, क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि हमारा प्रेशर को कम ज़्यादा करता है, मतलब कि ये बढ़ा देता है। तो हमारा जो यूपरेटर कॉयल से फ्रेंड्स हमारा जो रेफ्रिजरेंट आता है कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर क्या करता है फ्रेंड्स, पंपिंग करता है और पंपिंग करने के बाद हमारा ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा देता है और उसके बाद इसको कंडेंसर कॉयल में सेंड कर देता है। तो कंडेंसर कॉयल का फ्रेंड्स क्या होता है, दो वर्क होता है फ्रेंड्स। पहला होता है टू एक्सट्रैक्ट द हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब कि फ्रेंड्स रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालता है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, टू कन्वर्ट वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट, मतलब क्या फ्रेंड्स, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में ये कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये कैसे करता है, ये देखिए कि जो कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है, तो कंडेंसर में क्या होता है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जो हीट होता है इट ऑलवेज फ्लोज टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और कंडेंसर कॉयल का जो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को क्या करता है फ्रेंड्स, बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स, वेपर रेफ्रिजरेंट मतलब गैस फॉर्म में रहता है वो क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है रेफ्रिजरेंट का। इसके लिए फ्रेंड्स ये फैन भी लगा होता है, ये देखिए फैन भी लगा होता है जो हमको मतलब कि उसमें इसका टेम्परेचर को कम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व, ये देखिए ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व का फ्रेंड्स काम क्या होता है, ये रिड्यूस द प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि फ्रेंड्स ये हमारा प्रेशर को कम करता है, ये कम करता है। और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का टाइप हो जाता है फ्रेंड्स वो हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाता है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है कि यूपरेटर में आता है। और फ्रेंड्स यूपरेटर का क्या क्या होता था, यूपरेटर की भी दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ऑब्जर्व द हीट ऑफ आउटसाइड, मतलब कि ये बाहर की गर्मी को क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है। मान के चलिए रूम है तो रूम की गर्मी को क्या करेगा कि ये ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करता है। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, टू कन्वर्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू
वेपर रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रेंड्स ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब कि इवेपोरेटर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, हमारा रूम का जो हीट होता है वो इवेपोरेटर कोयल में चला जाता है, और इवेपोरेटर कोयल फ्रेंड्स क्या करता है, बाहर की गर्मी को, मतलब कि रूम के आप गर्मी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण रूम में क्या होता है फ्रेंड्स, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो जब फ्रेंड्स बाहर की गर्मी इवेपोरेटर कोयल में चली जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट हीट के कारण क्या होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, लो प्रेशर लो टेम्परेचर और वेपर रेफ्रिजरेंट क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर में चला जाता है, और फिर से ये क्या होता है कि साइकिल चलता रहता है। तो फिर ऐसे हमारा एयर कंडीशनर वर्क करता है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको कोई कमेंट करना चाहते हैं या अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज लाता रहता हूँ, और फ्रेंड्स आपको मैं एयर कंडीशन का मेंटेनेंस और ट्रेवल शूटिंग का वीडियो भी आगे लाता रहूँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना भी मत भूलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स। धन्यवाद।